चेहरा खिड़की से बाहर उजकाया, यादी ने मन में समझ लिया पतली से चांद निकल आया, पतली से चांद निकल आया। याती जब गली से निकल कर के जा रहे हैं, शर्मिष्ठा अपने महल की खिड़की से झांक रही है और जब चेहरा देखा तो खड़े के खड़े रह गए। शर्मिष्ठा ने अपना चेहरा खिड़की से बाहर उझकाया, याती ने मन में समझ लिया पतली से चांद निकल आया, पतली से चांद निकल आया। जैसे ही शर्मिष्ठा के चेहरे को देखा तो याती खड़े के खड़े रह गए। शर्मिष्ठा ने जब याती को देखा तो दौड़ के पास में आई और कलाई को पकड़ा, अपने महलों में ले गई, सुंदर से बिस्तर पर बिठाया कि महाराज इतना समय हो गया लेकिन आप हमारे महल की तरफ कभी भी नहीं आए। जवाब दिया, मेरे भैया, जैसे ही इतने शब्द सुने तो याती बोले, शर्मिष्ठा तुम्हें ये नहीं पता कि विदाई के समय जो शुक्राचार्य ने कहा था हम उसका वादा निभा रहे हैं। जब इतने शब्द सुने तो शर्मिष्ठा बोली, महाराज हमें हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। क्या जवाब दिया? महाराज जब किसी लड़का की शादी होती है और शादी में जो दहेज मिलती है उस पर अधिकार किसका होता है? लड़के का। अलमारी मिलती है, बापे अधिकार किनको होता है? लड़के का। अलमारी मिलती है उस पर दूल्हे का। फ्रीज पे दूल्हे का। कूलर पे दूल्हे का। दुल्हन पे दूल्हे का। और जो बर्तन मिलता है बापे दूल्हे का अधिकार होता है। तो महाराज हमें जब बताओ कि शादी में तो हमऊ मिली तो हमारे ऊपर तुम्हारा अधिकार ना है? एकदम से याती चक्कर में पड़ गए। याती चक्कर में पड़ गए, बोले बात तो ठीक है। जवाब दिया, बात ठीक है तो महाराज जब भी समय मिले तो हमारे यहाँ भी आते जाते रहना। जवाब दिया ठीक है। कचहरी में गए और कचहरी को बर्खास्त करने के बाद शर्मिष्ठा के महलों में गए। अब तो महाराज याती का शर्मिष्ठा के महलों में दिन प्रतिदिन का आना जाना बन गया। और जब दिन प्रतिदिन का आना जाना बन गया तो भक्तों महाराज याती और शर्मिष्ठा के संबंध से शर्मिष्ठा ने दो पुत्रों को जन्म दिया है और देवयानी के आंगन में तीन पुत्र हैं। भक्तों एक दिन महाराज याती देवयानी के महलों में विश्राम कर रहे हैं और जब विश्राम कर रहे हैं देवयानी पास में बैठी है और तीनों बच्चा शोर कर रहे हैं।
और जब तीनों बच्चा शोर कर रहे तो एकदम से याति बोले, ए देवयानी। बताओ। अरे देख रही हूँ तुम्हारे तीनों बच्चा जब मालिम पति आसमान गिराई देते और बाके जैसे ही मुंह में से बाके निकली तो पैरों तले जमीन खिसक गई। देवयानी ने बात को पकड़ लिया और जवाब दिया, है महाराज हमारे तो तीन बेटा हैं लेकिन वो दो का इशारा कहां जा रहा है? नहीं बताओगे तो मैं मेरी सौगंध बताओ, वो दो का इशारा कहां जा रहा है? तो याति हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले, देवी क्या बताऊं, मेरा शर्मिष्ठा के यहां आना जाना हो गया और ये दो पुत्रों का जो मैं हवाला दे रहा हूं ये दोनों पुत्र शर्मिष्ठा के हैं। और जब इतनी बात सुनी तो देवयानी बोली, अच्छा तुमने हमारे पिताजी के वादा को तोड़ दिया। तीनों बेटन को संग लो और मायके को चेन्नई। याति ने बहुत प्रयास किया रोकने का लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं गया। मेरे भैया कछु दिना शुक्राचार्य के पास में रही, शुक्राचार्य से जाकर के ये हाल बताया तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया याति को।